हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें निम्न यहाँ देखिए जितने भी ट्रेड दिए हुए हैं इन सभी ट्रेडों से संबंधित मैं क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के बीच में लेकर आया हुआ हूँ। और ये सेट का पाँचवा सेट है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है और इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, क्रिस्टल की अग्रगामी प्रतिरोध की तुलना में होगी। दिया है क्रिस्टल की अग्रगामी प्रतिरोध, क्रिस्टल की अग्रगामी जो है वो प्रतिरोध की तुलना में क्या होगी, अत्यधिक होगी या बहुत कम होगी या बराबर होगी या मध्यम होगी। तो यहाँ पर यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम। क्रिस्टल की अग्रगामी जो होती है वो प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर में पूर्ण विस्थापन ओम में पड़ता है, तो क्या पड़ता है ओम मीटर में, तो ये शून्य होता है या फिर अनंत होता है या अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य होता है। मल्टीमीटर में पूर्ण विस्थापन होने पर तो ये ओम में क्या, शून्य ओम पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांजिस्टर में अमीटर करंट 1 मिली एम्पियर है तो कलेक्टर करंट क्या होगी, ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर में अमीटर करंट, ये मतलब कि IA जो होता है अमीटर करंट वो 1 मिली एम्पियर है और तो कलेक्टर करंट क्या होगी, तो कलेक्टर करंट क्या होगी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कि कितना होगा। और इसका ऑप्शन है 1.8 मिली एम्पियर, और इसका ऑप्शन बी है 1 मिली एम्पियर, और इसका ऑप्शन सी है 1 माइक्रो एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी है 2 मिली एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डायोड में वापसी प्रतिरोध निम्नलिखित ऑर्डर में होता है। तो डायोड में वापसी प्रतिरोध है वो निम्नलिखित में से किस ऑर्डर में होता है, कि ग्रा ओम में होता है या फिर ओम में होता है या मेगा ओम में या फिर माइक्रो ओम में। आप लोग वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, फिर अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर उसके बाद आगे का अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगा ओम, ठीक है। डायोड में वापसी प्रतिरोध मेगा ओम में होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफिकेशन में RC कपलिंग क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो एम्पलीफिकेशन में RC कपलिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टता। तो वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा वोल्टता होगा, एम्पलीफिकेशन में RC कपलिंग वोल्टता में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर में मिश्रित स्तर माध्यमिक फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है, तो कितना माध्यमिक फ्रिक्वेंसी जो है वो कितना उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए 475 किलोहर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है 55 किलोहर्ट्स, और ऑप्शन नंबर सी है 455 किलोहर्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी है 500 किलोहर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 455 किलोहर्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसमें पेंटावेलेंट मतलब कि 5 संयोजकता वाली अशुद्धता को अगर मिलाया जाए तो वो क्या बनेगा। ऑप्शन है इसका होल्स बनेगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा या फिर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे या फिर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल्स, होल्स बनेगा अगर पेंटावेलेंट अशुद्धता मिलाई जाए तो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में कर्षण शक्ति बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है, तो कितना होता है ऊर्जा अंतराल। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक अर्धचालक में कर्षण शक्ति बैंड और चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग पहली बार जो लोग आए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल का आइकन को जरूर दबाएंगे, ठीक है, ताकि आपको एक फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप पर पहुँचेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तब आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है 100 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है 200 हर्ट्स और ऑप्शन नंबर डी है 400 हर्ट्स। इसका सही आंसर होगा 100 हर्ट्स। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के लिए तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स होगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है जीनर डायोड का प्रयोग? रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, या फिर ब्रेक डाउन वोल्टता के रूप में किया जाता है, या फिर इसका वोल्टता नियामक के रूप में, या फिर अग्रगामी विशेषता के रूप में? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्टता विनिमयक के रूप में किया जाता है जीनर डायोड का प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जो होती है उसकी अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसका ऑप्शन देखते हैं, 40% होती है, या फिर 81.2%, ऑप्शन सी 90%, या फिर 98%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 81.2% होती है फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान वृद्धि से एक पीएन जंक्शन में क्या बढ़ता है? तापमान वृद्धि से एक पीएन जंक्शन में क्या बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन ए है अपरदन पर्त की चौड़ाई बढ़ता है, या फिर जंक्शन बैरियर की वोल्टता बढ़ता है, या फिर वापसी रिसाव धारा बढ़ता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डिप्लीशन लेयर का चौड़ाई जो होती है उसमें वृद्धि होती है तापमान वृद्धि से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। यहाँ एक पीएनपी ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जर्मेनियम का बना होता है, या फिर सिलिकॉन का, या दोनों का बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम दोनों का बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी युक्ति सबसे तीव्र स्विचिंग करती है? तो स्विचिंग के लिए कौन सा युक्ति, कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो तीव्र स्विचिंग करती है? इसका ऑप्शन है बीजेटी, ऑप्शन है ऑप्शन बी है जे फेट, और ऑप्शन सी है मॉसफेट, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रायोड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉसफेट, मॉसफेट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है, तीन कास्केड स्टेज की प्राप्ति 10, 20 और 25 है, तो इसकी कुल प्राप्ति कितनी होगी, ठीक। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500, ठीक है। यहाँ पर कुल प्राप्ति निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप तीन कास्केड स्टेज की जो कुल प्राप्ति होगी वो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखते के साथ ही कमेंट जरूर कीजिए पहले कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और मैं क्या आंसर बता रहा हूँ, फिर उससे मिला करके आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद कौन से एम्पलीफायर में सबसे कम विरूपण होता है? तो सबसे कम डिस्टॉर्शन किस में होता है, कौन से एम्पलीफायर में? क्लास ए बी एम्पलीफायर, या क्लास सी एम्पलीफायर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्लास बी, या ऑप्शन नंबर डी है क्लास ए एम्पलीफायर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, और इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लास ए एम्पलीफायर में सबसे कम विरूपण होता है, मतलब कि सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 300 हर्ट्ज का तृतीयक हरात्मक होगा, तो 300 हर्ट्ज का तृतीयक हरात्मक क्या होगा? 160 हर्ट्ज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी 300 हर्ट्ज होगा, या ऑप्शन नंबर सी 900 हर्ट्ज होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2700 हर्ट्ज होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300 हर्ट्ज का तृतीयक हरात्मक 900 हर्ट्ज होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रायक किसकी तरह
होता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह होता है, या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर की होता है, या फिर एक डीसी एससीआर की तरह होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विडीसी एससीआर की तरह होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विडीसी एससीआर की तरह ट्रैक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थायरिस्टर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो किस में इस्तेमाल किया जाता है, दीवार घड़ी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिजिटल मल्टीमीटर में, या ऑप्शन नंबर सी मोटर की गति नियंत्रण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप ये कमेंट में जरूर करके बताइए, कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थायरिस्टर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मोटर की गति नियंत्रण में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त स्थिर ऑसिलेटर है, तो सबसे उपयुक्त स्थिर ऑसिलेटर कौन सा है इनमें से, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ऑप्शन बी है कल्पिट ऑसिलेटर, ऑप्शन सी है हार्टले ऑसिलेटर, क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, ऑप्शन डी है ये। तो इसका आंसर आप बताइए, बार बार मैं नहीं कहूँगा कि कमेंट में आप लोग आंसर बताइए, तो आप लोग सिर्फ देखिए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका जो सही आंसर है वो क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सीआरओ से प्राप्त होने वाला कैलिब्रेशन संकेत ज़्यादातर होता है, तो सीआरओ से प्राप्त होने वाला जो कैलिब्रेशन संकेत होता है वो क्या होता है, साइन तरंग वोल्टता होता है, या फिर स्क्वायर वेव वोल्टता होता है, या 7 वोल्ट वेव वोल्टेज होता है, या फिर डीसी वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सीआरओ से प्राप्त जो होने वाला कैलिब्रेशन है वो ज़्यादातर 7 वोल्ट वेव वोल्टेज होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रोफोन में से किसमें पृष्ठभूमि में स्वर विद्यमान रहता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन में किसमें पृष्ठभूमि में, मतलब माइक्रोफोन के किस पृष्ठभूमि में स्वर विद्यमान होता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रिस्टल माइक्रोफोन में, या फिर ऑप्शन बी कंडेंसर माइक्रोफोन में, या ऑप्शन नंबर सी है इसका रिबन माइक्रोफोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कार्बन माइक्रोफोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंडेंसर माइक्रोफोन। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एएम रेडियो जो 455 किलो हर्ट्ज आईपी पर 710 किलो हर्ट्ज को ट्यून्ड करने के लिए कितनी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 127.5 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है 255 किलो हर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है 1165 किलो हर्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 2330 किलो हर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, एक एएम रेडियो जो कि 455 किलो हर्ट्स पर 710 किलो हर्ट्स को ट्यून करता है, तो यहाँ पर जो पूछा है ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होगी, तो कितनी ज़रूरत होगी, 455 प्लस 710, तो 710 टोटल हो जाएगा 1165 किलो हर्ट्स पर हर्ट्स की ज़रूरत होगी, इतनी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी सिस्टम में पिक्चर एएम और ध्वनि एफएम होती है, या फिर पिक्चर टीवी सिस्टम में पिक्चर एफएम और ध्वनि एएम होती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पिक्चर और ध्वनि दोनों ही एएम होती है, या फिर पिक्चर और ध्वनि दोनों ही एफएम होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिक्चर में टीवी सिस्टम में पिक्चर एएम और ध्वनि एफएम होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में धनात्मक फीडबैक प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। धनात्मक फीडबैक प्रयोग होता है किसमें होता है, इसका ऑप्शन है अधिक प्राप्ति वाला एम्पलीफायर में, या फिर ऑप्शन नंबर बी कम प्राप्ति वाला एम्पलीफायर में, या ऑप्शन नंबर सी ऑसिलेटर में, या ऑप्शन नंबर डी साधारण प्राप्ति वाला एम्पलीफायर में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑसिलेटर में धनात्मक फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज के 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में जितने भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर करें, और लाइक करें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।